ऐसे मारने काटने से उच्छेद होती नहीं ना। निर्काधिक में तो वही देह के हजार टुकड़े कर दो तो भी समेट के पाले की तरह से मिलके फिर वो एक बन जाती है और उसमें आत्मा फिर कैद हो जाता। मनुष्य गति में भी ना से वो पाले जैसी सारी इकट्ठी मिल जाए, लेकिन इसमें भी जो इसका घात होता है तो उसका समाज भी हम करते हैं और उसको भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें जो निरंतर देह से छूटने की बात करते थे समाधि मरण में, उस छूटने की इच्छा को भी छूटने की सिद्धा को भी अतिचार कह दिया। तो तीसरा कोई रास्ता होना चाहिए ना कि ना छोड़ें ना नहीं छोड़ें, ना इसे आप ममता से रखें और ना छोड़ें। तो वही कहते हैं कि उसका तीसरा रास्ता क्या है कि तुम इसके प्रति साम्य भाव रखो। वो अपने पूरे शिविर में जो व्याख्यान चले है ना कि तुम इसका कुछ नहीं करो ऐसा नहीं हो सकता क्या, ना तो इसे छूटने के लिए इसकी हत्या करने की कोशिश करो और ना इससे नहीं छूटने के लिए भक्ति अभिक्षादि का भी प्रयोग करके इसको संभालने की कोशिश मत करो। इसमें भी थोड़ा अंतर है, उसी में उसमें लिखा है अपन ने वो अंतर कि मरने के लिए तो कुछ नहीं करना है, तुमने पढ़ा किसी ने ध्यान दिया इस पर, लेकिन जीने के लिए करना है। तो फिर वो बराबरी कहाँ रही कि मरे तो मरे वो जिए तो जिए। अब मान लो वो हम कुछ इलाज के बिना हम भोजन के बिना जी नहीं सकते, हमने भोजन छोड़ दिया फिर खत्म। अब मरेगा तो मर जाएगा, जिएगा तो जिएगा, तो क्लियर ही है ना, मर ही जाएगा थोड़े दिन बाद सही, तत्काल नहीं मरेगा। तो यदि हम बिल्कुल भोजन आदि छोड़ देंगे तो मरने की ही बात हो गई ना, और जिसको हम बहुत सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, लेकिन समाधि मरण में उसे स्वीकार नहीं किया। लिखाना जब तक उचित उपचार से देह के रहने की व्यवस्था बने तब तक वो व्यवस्था बनानी चाहिए, है ना। निप्रतिकार शब्द लिखा ना, मन उसका प्रतिकार करना नहीं, निप्रतिकार की स्थिति आ जाए तब आप तलवार लेके ऐसे काट नहीं सकते, तब भी उसके प्रति उदास हो जाओ, मन फिर कुछ मत करो। अरे वो भक्ष खाने से ही बचेगी तो हम भक्ष नहीं खाएं, वहां तक उसके लिए नहीं करें, लेकिन जो उचित है भक्ष है जिंदगी भर हम खाते रहे हैं उससे यदि वो बच सकती है तो हमें बताना चाहिए। ये है ना क्लियर, नहीं तो हत्या का दोष लगेगा। तो वो जाने दो गवर्नमेंट क्या मानती है, जनता क्या मानेगी, तो उसे आत्महत्या है कि नहीं है, और हम सब पंडित मिलके मुनिराज मिलके ये सिद्ध करेंगे कि वो आत्महत्या नहीं है। वो एक बात एक तरफ रख दो, अब मैं जो बात कह रहा हूं उस पर बहुत गंभीरता से विचार करना कि जो हम शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं और वो भोजन हम करते रहें तो देह अनंत काल तक तो नहीं लेकिन कुछ दिन चल सकती है, ऐसी स्थिति बनती है ना शांति जी, तो क्या करना चाहिए, फिर आहार छोड़ देना चाहिए। जैसा होता है उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। अब उस वक्त सही रास्ता क्या है, देखो इतने से शरीर क्षीण हो गया, कुछ नहीं है, ये है नहीं है, और अभी अभी तक भोजन नहीं छोड़ रहे हैं, अभी तक पानी नहीं छोड़ रहे हैं, और हाथ में तो लिखा है कि सब छोड़ देना चाहिए, हम तो एक झटके से छोड़ दें बस खत्म, नहीं कुछ नहीं। प्रसाद जी ने शास्त्र में लिखा है धीरे धीरे छोड़ो, पहले अनाथ छोड़ो फिर ये छोड़ो
फिर ये छोड़ो, फिर छांच रखो, फिर छांच छोड़ो, फिर पानी छोड़ो, ऐसा आता क्या नहीं आता, धीरे धीरे छोड़ो। तो कहते नहीं, हमको वो तो उनका काम है जो कमज़ोर हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तो एक दफ़ा एकदम सब अन्न पानी चारों आहार त्याग, क्या 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 उचित है। सवाल ये नहीं है हम सुविधा की बात अपने पक्ष में बोल रहे हैं कि हमें खाना मिल जाए तो बढ़िया है, हमारी जो भावना है समाधि मनन की वो क्या कहती है। ये शब्द मैंने लिखे उस किताब में कि हमें मरने के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन जीने के लिए उचित उपाय करना है। क्योंकि मरने के लिए कुछ करेंगे तो वह एकदम आत्महत्या हो जाएगी। तो मरने के लिए क्या करते हैं, जहर खा लेते हैं, गले में फंदा लगा के लटक जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। अरे ऐसा नहीं, ये भोजन छोड़ना, यदि भोजन से शरीर चलता है कुछ दिन तक, फिर भी भोजन छोड़ देना हट से, ये भी वही बात है क्या। तो उन्हें क्या करें समझ में नहीं आता है, हम तो दोनों ही के लिए तैयार हैं क्या। तुम कहो तो भोजन छोड़ दें और तुम कहो तो करें, जो कहो जो जो उचित हो वो करो। बहुत अच्छा शब्द सुना है, साथ मूल श्लोक में भी है, और पंडित सदाशिवदास जी ने बहुत क्लियर लिखा है। सदाशिवदास जी के प्रति मेरी ज़्यादा श्रद्धा नहीं थी, लेकिन इस संलेख में हमारे प्रकरण को पढ़कर थोड़ी श्रद्धा बढ़ी है। टूरमल जी जैसी नहीं थी, मतलब वो कहते हैं जो भोजन तुम्हें छोड़ता जाए उसे तुम छोड़ते जाओ, उसे पहल करने दो। क्या मतलब समझ में आया। पंडित गुमानी राम जी ने भी लिखा कि जो जैसे अनाज आप खाते हैं, अब वो अनाज आपको पथ नहीं रहा तो आप छोड़ दीजिए, वोमिटिंग हो रही, उल्टी हो रही, अब शरीर उसे झेलता नहीं है, लेकिन पानी को झेल लेता है तो पानी लेते रहिए। वो जो त्याग है वो इस मर्यादा से है कि जब शरीर तुम्हारे के लिए वो पोषण दे तब तक उसे लो, और जब वो शरीर का शोषण करने लग जाए तो शोषण कैसे करेगा कि वो हमें हमसे पचाने की ताकत नहीं है और हमने पेट में जबरदस्ती उसे डाल दिया, तो अब उसे निकालने की समस्या खड़ी होगी। पद्धति तो ये है कि पूरी तरह पचकर वो मलमूत्र के रूप में निकले, नहीं तो वोमिटिंग के रूप में निकले, बिना पचे निकले तो माने फिर शरीर नहीं है उसके काबिल उसको ग्रहण करने की स्थिति में, तो शरीर पे उसे डाल देना कोई स्पष्ट शरीर पे बोझा है ना, वो छोड़ दो। तो कहे कि वो तुम्हें छोड़ दो, तुम छोड़ देना क्या, कि भाई तलाक देना है कि नहीं देना, नहीं भारत कानून से तुम्हें अधिकार है और तुम्हें देना है तो दे देना है, तुम्हें कोई देना ही है, लेकिन सामने वाला तलाक दे तो तुम तलाक दे देना पहल नहीं करना, ये कह रहे हैं वो। भोजन तुम्हें छोड़े तो तुम छोड़ देना, कि नहीं नहीं मैं तो नहीं, नहीं तो मैं तो नहीं, कि नहीं अम्मा तो मैं तुम्हारे से तुम्हें तलाक देती हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगी नहीं, रहूँगी नहीं, रहूँगी नहीं, नहीं क्यों, क्या तकलीफ है, कोई ऐसी बात हो तो बताओ सामान्य, कि नहीं नहीं अम्मे तो रहना ही नहीं है, तो ठीक समझ रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कितना बैलेंस है, ये तत्व ज्ञान की बात अलग है। तत्व ज्ञान में तो क्लियर कहते हैं कि ये बिल्कुल देह अलग है, समझ में देह हूँ ही नहीं, और ये छूट रही कि नहीं छूट रही, उसमें भी अंततः तो वही बात आ गई ना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है,
रहता जाए। और हमारे यहाँ भावनाएं प्रकट भी की हैं, सामान्य लोगों ने भी जो स्तुतियाँ लिखी हैं उनने भी जो हमारी परंपरा चली आ रही थी उसके आधार पर लिख लिया, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊँ और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए। मैं ये नहीं कहता वो पंडित जी ने जिन्होंने लिखी है जो किशोर जी मुख्तियार, वो इस बात को पूरी तरह से गहराई से समझते नहीं होंगे ये तो मैं नहीं सोच सकता, लेकिन समझते थे पूरी तरह इसमें मुझे थोड़ा संशय है, क्योंकि और उनकी जैसी जो बातें थी उन सबसे ऐसा नहीं लगता है। वही तो कह रहे हैं, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं वो चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, यानी वो संलेखना के समय भी लाखों वर्षों तक जिए तो उसे ऑब्जेक्शन नहीं है कि डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है अब बचने तो है ही नहीं, आपने कह दिया कि आप 4 महीना में मरेंगे कि 6 में मरेंगे तो जल्दी निपटा दो ना। क्यों ये जो हमारा भाव है ये, और डॉक्टर हमें जल्दी निपटा, ये हमारी है आत्महत्या और डॉक्टर की है हत्या। समझ रहे हैं ना, जब तक चलती है चलने दो ना, क्यों हटा दो। मैंने इसी सभा में इसी गद्दी से कभी ये भी कहा था और आज भी कहूंगा कि हम ऐसा विचार करें कि सड़ी गली देह छूट गई है और इसे बहुत बढ़िया नवीन देह मिलेगी, मनुष्य गति में जाएंगे तो भी मिलेगी, देव गति में जाएंगे तो और ही बढ़िया देह मिलेगी, तो इस देह के छूटने का दुख क्यों करना। और अभी ये कह रहा हूं कि वो बढ़िया देह मिलेगी उसकी जल्दी क्यों करना, उसके लिए ये सड़ी गली देह है तो छुटकारा पाओ इससे खत्म, कि कोई दवाई वाई नहीं लें तो नहीं लें, लेकिन इसके लिए जो हम पोषण दे रहे वो तो बंद कर दें, इसकी भी आज्ञा जैन धर्म नहीं देना। दबा दो दबाव हुआ छोड़ दें और खाना भी छोड़ दें, खाना और दबाव में फर्क तो है ना, हमें कोई दवाई नहीं लेना, नहीं खाना भी नहीं छोड़ सकते पीयूष और दवा नहीं छोड़ सकते। हाँ दवा छोड़ सकते हैं, मतलब जो अभक्ष है जो हम अभी स्वस्थ स्थिति में हैं और तब भी हमें नहीं खाना चाहिए और हम नहीं खाते हैं, वो दवा नहीं लेंगे, लेकिन वो स्वस्थ है त्रिफला का चूर्ण है, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल अपनी आंखों के सामने की चीज है, ये 3 ऐसे फल थे जो हम खाते रहते हैं, इन्हें ही कूट करके हमको दे दिया गया है तो नहीं छोड़ सकता। जो शर्तें लगाना हो लगा ले, मैंने ये इसका चूर्ण बन गया तो आटा हो गया तो 3 दिन 5 दिन और 7 दिन की मर्यादा हो गई तो लो ना, इसमें ये कम मना कर रहे हैं, माना हम अभक्ष नहीं लें लेकिन भक्ष बुद्धि पूर्वक लें, माने जैसे हमारा जीवन चलता रहा है मरने के लक्ष्य से और जीने के लक्ष्य से संलेखना में, उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, बहुत बड़ी बात है। मैंने कई दफा कहा और आज सुबह के प्रत्यन टीवी पे भी आया था कि ये मुनिराज जी हमने फोटो लगा रखे ना सब, ये सब सिगड़ी माथे पे जल रही है, शेर नहीं खा रही, शेर नहीं खा रही, ये लाख मुनिराजों में एक मुनिराज ऐसे के साथ ऐसा होता है, लाख बहुत आराम में रहते कुछ नहीं होता। क्यों मुनिराज को पाप ही कहाँ है, निरंतर तो माने शुद्ध भाव में नहीं रहे तो शुद्ध भाव में तो रहेंगी, तो हम ऐसी सबको ऐसी तकलीफ तकलीफ में पड़ते होंगे। उन पंडितों ने इस विचार से कि तेरे लोगों तकलीफ महसूस होती है ना,
और तू धर्म की प्रवृत्ति छोड़कर अभक्षादि का भक्षण करना चाहता है, तो उनने समझाया है कि इतने से क्यों घबराता है, तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु मौत सब भारी है ना। पर इसके लिए उन्होंने, उनका ध्यान इधर ही था, ये उनने कभी सोचा ही नहीं होगा जो मैं सोच रहा हूँ, कि लोग घबरा करके कि भाई ये बहुत तकलीफ का काम है, ये मरना तो सन लिखना लेना, तो ऐसी भावना भाने लग जाएगी, हे भगवान मुझे संलेखना ना लेनी पड़े, लेकिन ये महाराज तो मानेंगे नहीं, घर वाले तो मानेंगे ही नहीं, जब मेरा बस नहीं चलेगा तब मेरी धोती खींच खाँच के हम मुझे मुनिराज बना देंगे, हैं ये नहीं छोड़ेंगे, ये तो जबरदस्ती संलेखना लेवाई देंगे, इससे घबराए। वो संलेखना का स्वरूप ऐसा नहीं है, तो उन्हें भी बताना चाहिए कि धर्म के क्षेत्र में तुम आओगे तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, नहीं तो आएगा ही नहीं ना वो, और एकदम ज्यादा स्वच्छंद होने लग जाए तो ये बताना चाहिए, कईयों को कितनी कितनी तकलीफ आई तब भी वे नहीं टिके, लेकिन हमारे हमें तो अकेला एक ही है ये डोज मिला है? तो हम सब असंगी नहीं हो गए, हमें नहीं करना, हमें दूर दूर से नहीं ले जाना, हमें इस मामले में नहीं जाना, अब वो विवेक से निर्णय करना इतना सहज नहीं है, और स्वयं को करना है, ये घर वालों पर नहीं छोड़ना, पंडितों पर नहीं छोड़ना, अब मैं महाराजों पर नहीं छोड़ना, ये तो कह नहीं सकता, लेकिन खुद विवेक से निर्णय करना है, क्योंकि अंदर में तुमको ऐसी स्थिति ज्यादा बनी है, बनती है, क्या होता है जितना तुम्हें पता है उतना सामने वाले को पता नहीं है क्या। पहले से सब बात समझना, और उसे समझकर यदि बात पित्त और कफ ये तीनों बैलेंस में रहे, विकृत नहीं हुए, तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, बिल्कुल ऐसे बैठे बैठे जैसे देवों की मृत्यु होती है ना, ऐसी जवानी आई खत्म खेल गए छींक आई गए। अरे बहुत सबसे बढ़िया मरना है जी, और इसे हमने सबसे बुरा मान रखा है, हमें तो सेवा करने का मौका ही नहीं मिला, पता ही नहीं चला, इतना बढ़िया प्रवचन कर रहे थे और बस ऐसे हो गया, ऐसे ही हो गया, ये सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि उन्हें आज तकलीफ होती तो आकुलता होती, आकुलता होती तो न मालूम क्या क्या स्थितियां बनती चित्त में, है ना, और बाहर में भी कैसी स्थितियां बनती है, सर्द सर के गल गल के मरना अच्छा है, ऐसे शांति से देवों की मृत्यु को हम अच्छी क्यों मानते हैं, तो हमारे लिए वो बुरी कैसे हो जाएगी, जब उनके लिए अच्छी है, किसी के लिए अच्छी है ना, हमारे लिए बुरी कैसे हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि देह संबंधी है, अपने काय की काय पे चर्चा कर रहे हैं, जब तक न छो क्या है, बोलो पढ़ो, ममता रे देह विषयक जब तलक यह आत्मा कर्म मल से मलिन हो पुन पुनः प्राणों को धरे उपयोग मय निज आत्मा का ध्यान जो धारण करे इंद्रिय जयी वह विरत कर्मा प्राण क्यों धारण करे। क्लियर बात कह दी, देह विषय ममता जब तक नहीं छोड़ेगा, एकत्व मत उसे नहीं छोड़ेगा,
तब तक संसार से पार नहीं होगा, और बार बार इस शरीर को इसे ग्रहण करना पड़ेगा। और वो ठीक ही है ना, क्यों है ठीक? क्योंकि हमें उससे ममता है, अपनापन है, बहुत है ना, तो हम क्यों छोड़ना चाहेंगे उसे? हम ममता नहीं छोड़ेगा तो देह को क्यों छोड़ना चाहेंगे? और फिर नहीं माने जबरदस्ती छूट ही जाए तो दूसरी अच्छी मिल जाए, नहीं मिले तो बुरी भी मिल जाए, मिल तो जाए। लोग में तो अपन ऐसे ही होते हैं ना, एक टोपी हम नहीं छोड़ना चाहते हैं तो दूसरी टोपी मिल जाए, और जाए तो और नहीं मिले तो इससे बढ़िया मिल जाए, बढ़िया नहीं मिले तो 19 ही मिल जाए। क्यों यही है ना हमारा जगत में। तो जब तक देह की ममता नहीं छूटेगी तब तक देह की वांछा रहेगी, और हमें देह तो बार बार प्राणों को धारण करें उसे देह मिलेगी, तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति तो हुई है? तुम्हारी ये मांग कहाँ थी कि मुझे देह ना मिले, तुम्हें तो बढ़िया देह मिले, उत्तम सहनन मिले है, शरीर सुंदर मिले, और हम प्रयत्न कर लें ये करें ये मिले, यही तो हमारा प्रयत्न है ना। ये बीमारी बीमारियों सेहत वाली देह नहीं मिले, तो वो देह विषय ममता जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक ये प्राणों को धारण करेगा, और जब यह आत्मा आत्मा का ध्यान करेगा, मन ध्यान करेगा माने ध्यान के पहले अपना मानेगा अपना जानेगा है, फिर उसमें उपयोग स्थल रहेगा, तो उसको फिर वो देह क्यों प्राणों को फिर क्यों धारण करेगा? जब उसकी हम परवाह ही नहीं करते हैं, हमने उस पर कोई अपेक्षा ही नहीं रखी है ना। अपने कोई घर आया मेहमान तो उसे हमको रुचि नहीं दिखाई है ना, रुचि नहीं दिखाई, मैंने पानी को भी नहीं पूछा, ये नहीं है मैं कहना चाहता हूँ। सामान्य तरीके से जो वो शिष्टाचार होता है खाने की पीने की सब पूछी, हम लोगों ने कुछ नहीं दिखाएंगे तो भग ही जाएगा, तो खाने पीने को नहीं दोगे तो भग ही जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ तुम पूरा शिष्टाचार निभाकर उसकी वो सब बढ़िया भी करोगे, और अंदरंग से तुम्हें उसमें रुचि नहीं होगी, उसे रस लेके बात नहीं करोगे, वो करेगा भी तो हाँ हूँ करोगे, जिसमें हमें रस नहीं है। ऐसा होता ना, बहुत से लोग आते हैं और हमसे बातचीत करते हैं और हमें जिसमें रस ही नहीं है, है? क्यों बोलता है ऐसा करना चाहिए, समाज का ऐसा करना चाहिए, फलाने को ऐसा करना चाहिए, एक बुढ़ों का आश्रम बनाना चाहिए, ये करना चाहिए। बहुत बहुत लोग आते हैं बहुत हैं, तो हम बिल्कुल चुप रहते हैं, सुनते हैं चाप चुप चाप, तो ये तो उसकी समझ में आ जाता है कि इन तेलों में तेल नहीं है, है? नहीं आता है तो हम फिर एक आध बात तो बोलते हैं कि भैया अभी उम्र हो गई ना अपन लोगों की, छोड़ो ना इसमें, अभी अपन ऐसे कुछ नहीं, इसको इस विकल्प को छोड़ो, करने वाले करेंगे, नहीं 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 साहब आपको करना चाहिए, फिर वो अपने माथा खाता है, हैं? तो फिर अपन कहते हैं कि देखो साहब मेरे को काम है ज़रा, अभी मुझे जाना है वहाँ पर बहुत ज़रूरी काम से, मैं अपन फिर मिलेंगे। अन्ना जी तो अपने बहुत हिम्मत वाले हैं, जितने दृढ़ता से जितने बेरुखेपन से वो कह देते हैं कि भाई साहब आप जाइए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ऐसा कह देते हैं ना, क्या तुम लोगों को अनुभव होगा, मुझे तो नहीं हुआ लेकिन बेई सुनाते रहते हैं तो कभी कभी बताते हैं, क्यों कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, जल्दी झंझट से बचते तो है ना, लेना नहीं देना नहीं, उसमें हम कितना अपना समय खराब करें, उस औपचारिकता को कब तक निभाते रहें, ज़्यादा रस दिखाएं तो दूसरे दिन फिर आगे आगे बढ़ जाता है, तो आखिर कोई नहीं कितना ही नेचर होगा, अंत तो गत्ता तो हम उपेक्षा हमें बतानी करनी ही पड़ती है और करनी ही चाहिए। विद्यानंद जी महाराज का भी ये सही है,
कि डॉक्टर साहब अभी जब मैं मुझे जाना है, मैं थक गया हूँ, पधारो। पहले तो नहीं कहते थे, अब कहने लग गए। अभी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, मैं कोशिश बहुत करता हूँ। क्या? क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था, तुमको भी बता देता हूँ, कि 100 हाँ से एक ना बहुत आराम देती है। ना करना सीखना चाहिए। जो काम हमारे बस के नहीं है, जो हमारी रुचि का नहीं है, जिसे हमें किसी कीमत पर करना नहीं है, उस काम को एक झटके में ही ना कर देना चाहिए। उसे बुरा लगे तो लगे, भला लगे तो लगे, तो हम आप बहुत आराम में रहेंगे, नहीं बहुत समय खराब करेगा। उसे आशा की किरण लगी रहेगी, तब तक वो अपन को छोड़ेगा नहीं। ये सब बातें आप, ये हैं वो देह विषय के रूप में बात करें। ममता ना छोड़े, ममता छोड़े का अर्थ क्या? या तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरे या उसकी उपेक्षा नहीं करते। उपेक्षा करने का अर्थ क्या? उसे शुद्ध गर्म पानी देना भी बंद कर देना नहीं है, है? रात तक चाय पानी काफी ये सब की व्यवस्था करते रहना है। मतलब आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति तो मेहमान की करना ही है ना, लेकिन उस जमाई जैसा मेहमान बनाकर उसकी पूजा पत्री करने नहीं लग जाना, ये इसका नाम है जो उपेक्षा भाव। जैसे इस देह के बारे में दोनों गाथाओं में बस सीधी सरल बात कह दी, देह विषय ममता जब तक नहीं छोड़ेगा, तब तक ये प्राण तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तू देह विषय ममता छोड़ देगा, तो ये बार बार प्राण तेरे पास नहीं आएंगे। प्राणों को क्यों धारण करे, लिखा ना लिया। अब टीका में भी यही बात है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, टीका पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर इसमें ही उलझ जाएंगे, है ना। वैसे अपन ने पढ़ ली है मेरे ख्याल से, है ना। अब के इसके नीचे की चार पंक्तियां पेज नंबर 309 की नीचे की चार पंक्तियां पढ़ते हैं। विगत गाथाओं में है बताया गया है कि इंद्रिय आदि प्राणों रूप शरीर आदि के संयोग का अंतरंग कारण इनके प्रति एकत्व ममत्व का होना है। ये क्यों हमारे साथ चैंट गए? ये जो सारे प्राण हमारे प्राण लेने को तैयार बैठे हमारे, क्यों? इससे हमें एकत्व ममत्व है इसलिए। और अब इन गाथाओं में आगे की गाथाओं में व्यवहार जीवत्व से आत्मा की अत्यंत विभक्तता बताने के लिए, आत्मा से जो बिल्कुल जुदा है व्यवहार जीवत्व, जीव से जीव का भेद विज्ञान है, तब कौन से जीव के, इस जीव से इस जीव का भेद, ऐसा कुछ नहीं। अभी वो निश्चय जीवत्व से व्यवहार जीवत्व का भेद विज्ञान बताने के लिए मनुष्यादि गति रूप पर्यायों का स्वरूप व भेद बताते हैं। अब ये कहते हैं ये मनुष्यादि पर्याय है ना, कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ये मनुष्य क्या है अपने यहाँ? अभी इसी प्रवचन सार में अपन ने शुरू में देखा था, ये अधिकार जब शुरू किया था तब उसमें पद्य मूढ़ा ही पर समया की बात आई थी ना, और इस संदर्भ में पर्याय का स्वरूप क्या है, पर्याय कितने प्रकार की होती है, तो उसमें पर्यायों के भेद किए थे। तो उसमें असमान जाति द्रव्य पर्याय और समान जाति द्रव्य पर्याय तो सब थी ना, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय पर जाके आचार्य अटक गए थे। सब बता दिए तो फिर जितनी धुनाई करी वो सब असमान जाति द्रव्य पर्यायों की है याद। तो ये मन असमान जाति, ये जो मनुष्य देह है ना, अब वो ही कहते मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ। अब मैं मनुष्य यदि मर जाऊँगा तो देव हो जाऊँ, मैंने आखिर हम
इनमें अटके हैं। तो कहते पहले एक दफे उनका हम विचार कर लेते हैं कि वे हैं क्या चीज। यानी पर्याय ने कह दिया ना कि देह विषय के मान्य एकत्र तो नहीं छोड़ेंगे तब तक। तो देह क्या, मनुष्य देह, देवों की देह, नारकियों की देह, ये जो देह है जहाँ जहाँ जैसे जैसे संयोगों में जैसी जैसी देह हमको प्राप्त होती है उस संबंधी थोड़ा विचार कर लें, मतलब उससे समझ तो लें कि हमें किससे अपने को जुदा करना है, मानना है, जानना है। तो गाथाएं पढ़ो आगे की। जीवाणम उदयादी राम कम मस अस्ते त्वनिश्चित अर्थ की अन्य अर्थ के संयोग से जो अर्थ वह पर्याय जो संस्थान आदिक वेदमय तेरे अंच मानो देव नारक नाम नामक कर्म के उदय से पर्याय होवे अन्य अन्य प्रकार की। देखो त्रिंच मानव देव नारक नाम नामक कर्म की। अभी देखो आठ कर्म थे ना, अब उसमें चार घातिया छोड़ दिए, अघातियों में भी अकेला नाम नामक कर्म से पकड़ा। और नाम नामक कर्म के उदय से जो मनुष्य देह मनुष्य गति है ना, नाम कर्म के 93 भेद है ना, सबसे पहला भेद कौन सा है, गति। और गति चार होती हैं, तो उनकी बात करते हैं। माने आप देखो बिल्कुल प्योर अघातिया कर्म जो जो बात कर रहे हैं ना, ये पर्याय, तो ये मनुष्य पर्याय। तो मनुष्य पर्याय जब तक मोक्ष में नहीं जाता है जीव, तो समझो अंतिम समय तक रहती है, मनुष्य मर के सिद्ध हो गया तो उसके पहले तो वो मनुष्य ही पर्याय कहलाएगी और मनुष्य देह भी रहती है, चाहे बज बसम नाराज सनन की सही है माने, और सब छूट जाता है। चार घातिया कर्म तो 12वें गुणस्थान के अंत में ही खत्म हो जाते, 13वें में नहीं रहते हैं, और ये तो 14वें के अंत तक रहेगी और अंत में जाके छूटेगी। अब उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारे सबका जो ज्यादातर विकल्प है उसमें ही उलझता है, हमारी सारी समस्याएं इस देह विषय की ही है, इलाज खाना पीना, और जो छोड़ने की बात है वो भी इस पर ही है, न्याय कहो तो इस पर और अन्याय कहो तो इस पर, इसको खूब खिलाना वो भी, और इसका खाना बंद कर देना ये भी, दोनों ही है ना, खूब खिलाना इसको हम समझते हैं हम इसके पक्ष में हैं, और बिल्कुल खाना बंद कर देना जैसे हम इसके शत्रु हो गए। लेकिन खूब खिलाना भी तो इस देह को बिगाड़ता है ना, और खाना छोड़ना वो भी बिगाड़ता है, और खाना छोड़ना कभी अनुकूल भी पड़ता है। कहते हैं भाई 8 दिन में 1 दिन खाना छोड़ देना चाहिए, एक आसन तो कर ही लेना चाहिए, उपवास नहीं कर पाओ तो ऐसा अपन बोलते क्या नहीं बोलते हैं। तो कहते हैं ये सारी बात वो नाम कर्म जो देह मिली है उसकी बात करते हैं। अस्तित्व निश्चित अर्थ की अन्य अर्थ के संयोग से, देखो क्या परिभाषा दी है, अस्तित्व निश्चित अर्थ ये क्या है, ये शब्दावली का चुनना भी बहुत कठिन है। जो मूल में गाथा में भाव है वो भाव पर्याय कि जिस पदार्थ का अस्तित्व निश्चित है, अस्तित्व माने उत्पाद वह द्रव देवगुण पर्याय माने वो बराबर कोई वस्तु है,
जो वस्तु रूप से स्थापित है, जो अर्थ माने अस्तित्व निश्चित अर्थ, ये कहते हैं ऐसा पदार्थ जिसका अस्तित्व निश्चित है ना। प्राकृत में क्या है जो अस्तित्व निश्चित से माने अस्तित्व जिसका निश्चित है, ऐसा पदार्थ का ऐसे ही अन्य पदार्थ के साथ क्या, यानी इसका भी अस्तित्व निश्चित है और इसका भी अस्तित्व निश्चित है, माने अपना जो आत्मा है उसका भी अस्तित्व निश्चित है और जो शरीर के परमाणु पौद्गलिक परमाणु हैं इनका भी अस्तित्व निश्चित है। देखो अस्तित्व निश्चित अर्थ की अन्य अर्थ के संयोग से, तो अन्य अर्थ माने जिसका अस्तित्व निश्चित है वो उसमें भी लगाना, ऐसे अन्य पदार्थ के संयोग से, माने सीधी सच्ची बात ये कह रहे हैं जीव का पुद्गल के संयोग से, समझे ना। अस्तित्व निश्चित अर्थ की अनर्थ के संयोग से, जैसे अपन कहते हैं ना माँ बाप के रजवीर से उत्पन्न हुई ये देह, ऐसा अपन बोलते ना। अब वो आचार्य अपनी भाषा में कहते हैं कि वो भी पुद्गल एक पदार्थ है, उसका भी अस्तित्व निश्चित है, और हमारा चेतन आत्मा भी एक पदार्थ है, उसका अस्तित्व निश्चित है, और इन दोनों से मिली हुई पर्याय की बात कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य पर्याय, व्यंजन पर्याय भी बोलते हैं। तो द्रव्य पर्याय क्या क्यों बोलते हैं, द्रव्य पर्याय तो एक द्रव्य की पर्याय को द्रव्य पर्याय कहना चाहिए। मैं भी पहले बहुत यही समझता था कि जितनी गुणों की पर्याय है ना, ज्ञान गुण की पर्याय, दर्शन गुण की पर्याय, मति ज्ञान आदि ज्ञान गुण की पर्याय, चक्षु अचक्षु दर्शन दर्शन गुण की पर्याय, और सब गुणों को मिला करके एक द्रव्य बनता है, तो सब गुणों की पर्यायों को मिला दो तो एक पर्याय बन जाएगी द्रव्य पर्याय। क्या समझ रहे हैं, अब शब्दों को मिला करके एक पर्याय का कोई रूप कहीं सामने है ही नहीं, ये सीधा न्याय लगता ना। लेकिन ये तो कहते हैं एक द्रव्य की पर्याय नहीं, अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय, उसका नाम है द्रव्य पर्याय। एक द्रव्य की पर्याय का नाम द्रव्य पर्याय नहीं है, भाषा तो ऐसी है, अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय का नाम द्रव पर्याय है, और व्यंजन पर्याय के वो प्रगट है, ये दिखती है जी, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, स्थूल पर्याय के रूप में हम जिनकी बात करते हैं। जो अर्थ, जो अस्तित्व निश्चित अर्थ की अन अर्थ के संयोग से जो अर्थ वह पर्याय, अपने द्रव्य भी अर्थ है और गुण भी अर्थ है और पर्याय भी अर्थ है, तो इनके संयोग से जो अर्थ बनता है माने पर्याय बनती है, वो पर्याय लेना यहाँ, और वो संस्थान आदिक भेद में, और उसके भी संस्थान आदिक भेद हैं। संस्थान माने वो किस आकार में है, देवाकार है मनुष्याकार है, और मनुष्य के ही आकार बदलते रहते हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं ये मनुष्याकार है, लेकिन ऐसा हाथ उठा लिया तो आकार बदल गया ना, ऐसा हाथ कर लिया तो आकार बदल गया, 24 घंटे बदलते रहते, हाथ नहीं उठाया तो भी बदलते रहते, क्यों ऐसे हाथ लेके बैठ गए, फिर तो नहीं बदलेगा ना। अरे सांस लोगे कि नहीं लोगे, तो सांस अंदर जाएगी तो फेफड़ा फूलेगा, बाहर निकलेगी तो सिकुड़ेगा, तो बदल गया ना आकार। अब समझ आई ना, निरंतर बदलता रहता है, एक आकार उसे कह ही नहीं सकते, हमने एक मोटा मोटा स्थूल मनुष्य आकार कह दिया। अस्तित्व निश्चित अर्थ की अन अर्थ के संयोग से, माने इसमें से अर्थ हमारी समझ में आना चाहिए, जो अर्थ वह पर्याय वो संस्थान आदि के भेद से अनेक प्रकार की होती है, वज्र सब नाम सन नाम की भेद, संस्थान का भेद, संस्थान आकार को बोलते ना। अब वो कौन है, ये ऊपर तो सैद्धांतिक बात की थी, अब नीचे कहते हैं त्रयंच, मानव, देह और नारकी, क्योंकि ये पुद्गल और जीव की मिली हुई पर्याय है ना। नाम ये इस नाम के नाम कर्म हैं, अपने नाम नामक कर्म के, कौन नामक, त्रयंच नामक
मानव नामक, देव नामक और नारक नामक नाम के नाम कर्म के भेद हैं, समझे ना। नाम के उदय से पर्याय होवे अन्य अन्य प्रकार की, उदय से अनेक प्रकार की अन्य अन्य प्रकार की पर्याय होती हैं। माने जो उन्होंने कही थी ना कि थोड़ी हम पर्याय पर विचार कर लेते हैं, कहा ना कि जब तक ये देह विषयक ममता नहीं छोड़ेगा, मानो पर्याय में ये कत बुद्धि नहीं छोड़ेगा, जब भी पर्याय से भिन्नता की बात आती है तो हम केवल ज्ञान से भिन्नता की बात करने लगते हैं, लेकिन ये तो आचार्य तो मुख्यता से इसकी बात कर रहे हैं। अब अपन को टीका पढ़ने की जरूरत है, कितना क्लियर हो गया वैसे तो भी पढ़ लेते हैं। चलो, स्वलक्षण भूत स्वरूपास्तित्व से निश्चित एक अर्थ का स्वलक्षण भूत स्वरूपास्तित्व से ही निश्चित दूसरे अर्थ में विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता हुआ जो अर्थ है वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। ये सब बताया ना मैंने गाथा में से निकाल के, किसका क्या अर्थ है बताओ तुम सोचो। है देखो, स्वलक्षण भूत स्वरूपास्तित्व यानी प्रत्येक जीव का पुद्गल का अपना अपना लक्षण है ना, उस लक्षण भूत द्रव्य का अपना स्वरूपास्तित्व है, मन उत्पाद वह रूप और गुण पर्याय हैं अपने स्वरूपास्तित्व से ही बोलते हैं ना। स्वरूपास्तित्व सादृश अस्तित्व, दो प्रकार के अस्तित्व होते हैं ख्याल में, ये प्रवचनसार में निकल गए हैं। जो महासत्ता उसे सादृश अस्तित्व बोलते हैं और अवान्तर सत्ता उसे स्वरूपास्तित्व बोलते हैं। अन्य अर्थ के वो लगाया ना, स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से निश्चित, मूल गाथा में नहीं लगाया, मूल में अकेला अस्तित्व निश्चित अर्थ अपने के साथ लगाया, लेकिन दोनों में लगा लेना तो इनने संस्कृत में दोनों में लगा करके वो बता दिया। दूसरे अर्थ से विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता हुआ जो अर्थ, माने ये मनुष्यकार बन गया देवाकार बन गया ना, ये भी अर्थ, इसे भी पदार्थ बोलते हैं। अर्थ से का जो भाव है वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है, तो अनेक द्रव्यात्मक पर्याय ही अकेली तुम क्यों बता रहे हैं, पीछे तो सब बताई थी ना, तो उनने उनको छोड़ दिया, कहते हम आपसे आबाद कर रहे मूल गाथा में भी वो अनेक द्रव्य पर्यात्मक ये मनुष्य देव और नर की पर्याय है, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मरण का संबंध भी सीधा उससे ही है। अभी आपको विचार करते हैं क्या आप कि जब मैं मर जाऊंगा तो ये देह चली जाएगी, ऐसा अपन सोचते हैं ना, आँख कान नाक सब चले जाएंगे, ऐसा कोई सोचता है कि मेरा स्वरूप संज्ञान चला जाएगा, कि मेरा दर्शन चला जाएगा, उनकी कुछ कि मेरा पुण्य चला जाएगा, कि मेरा पाप चला जाएगा, वो तो अपन को पक्का बताया कि वो अगले भव में साथ जाने वाला है, वो नहीं जाएगा, वो नहीं लुटेगा, क्यों पाप की तो बात ही नहीं है, पुण्य न लुट जाए इसकी थोड़ी सी हमें चिंता रहती है, वो सब पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा, बंधेगा कि अरे अगले भव में साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा, हमने जो कुछ किया है उसका फल तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको शंका ही नहीं है। जब कैसी बच भगवान की पूजा करता है तो ये समझता है कि इससे मुझे पुण्य बनेगा, वो तो पुण्य बनेगा तो उससे बहुत लौकिक अनुकूलताएँ मिलेंगी, ऐसा इसके अंदर जमा हुआ है, वो पंडितों ने बताया है, वो जमा हुआ है, फिर बार बार शंका होती है, हैं कि नहीं गया तो मुफ्त नहीं लुट गए, अब हमें यहाँ पर लाख रुपये दिए देते हैं और इसे फिर वो लाख का पुण्य बनना चाहिए और फिर वो अगले भव में मेरे साथ जाना चाहिए, अब उन जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं तो नहीं लाख रुपये मुफ्त में चले जाएंगे है? अभी तुम लोग कोई क्रिया व्रिया करते हो, एक टाइम खाना छोड़ दिया तो उसका भी पुण्य बांध करके साथ में ले जाना चाहते हो, जिसकी जैसी जो हैसियत है वो सब, लेकिन जो लाखों रुपया दान में देके और उस पुण्य को, हर एक को यही चिंता है कि मेरा मेरे साथ जाएगा कि नहीं,
और पंडित लोग दर्जा बेटा सूली पे भड़ा के रहे भगवान, महिलाओं को भड़काते हैं कि देखो तुमने जो किया वो तुम्हारे साथ है, पति ने किया वो पति के साथ है। अब वो तो बेचारी काम नहीं करती है, मैंने कोई नौकरी वोकरी नहीं करती है, दुकान पे धंधा पे नहीं जाती, घर में ही रहती है, घर में बहुत काम करती है ना। तो अब वो उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं कि पति की जेब में से पैसा निकाल निकाल के रख और तुम अपना बना के दान देना तो तेरे पुण्य में, तो तुम्हारे पुण्य करने की ट्रेनिंग है कि चोरी करने की ट्रेनिंग है? वो भी कहती है पंडित जी मैं तो दे तो देती हूँ लेकिन कहना नहीं किसी से, खासकर पति से तो नहीं कहना। ये सब हमने, ये पंडितों का काम है, क्या काम है? नहीं तुम बोल रहे हो ना, अपने पति से पूछ रहे हो, पूछ लिया क्या? नहीं, घर वालों से पूछ लिया क्या? नहीं, अरे साहब उनसे पूछेंगे तो वे कभी हाँ करने वाले ही नहीं है, नहीं तो बिना पूछे नहीं करना, ऐसा कोई पंडित है आज तक? मैं एक बात बताता हूँ, जब अशोकनगर में था, मैंने 52 साल छोड़े हुए अशोकनगर को, कितने उसकी पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं ये कहता था प्रवचन में कि ये पंडित आपको ये तो बताते हैं कि आपको 10वां हिस्सा दान देना चाहिए, 6वां हिस्सा दान देना चाहिए, लेकिन ये शास्त्र में ये भी लिखा है कि 6वें हिस्से से ज्यादा नहीं देना चाहिए, ये कोई पंडित बताता है? हैं? और आपके पास नहीं हुए तो नहीं देना चाहिए, अभी पूरी आवश्यकताएं पहले पूरी हो गए तो देना, नहीं बताता, मैं बताता था। जब मैं ऐसे चंदा होता था ना 11-11, 25-25 रुपए का, घबराना नहीं, तो कोई ऐसा आदमी भी होता था मेरा जानकारी में कि जो बाजार से 200 रुपया सैकड़े के हिसाब से पैसे उठाता था और मांग मांग के लाता था और उसे धंधा करता था, उसकी कोई इनकम नहीं थी, जॉब में आगे वो भी लिखाता था कैलाशन जी, मैं उसका नहीं लिखता था, उसे डांटता था तो जरूरत नहीं है, है कोई और दूसरा पंडित लाओ पकड़ के, ऐसा चिड़ियाघर में रखना, कोई नहीं, उसको उसका हित कहाँ उद्देश्य है? मैं उसे कहता 2 रुपये सगड़े के बजाय से पैसे लाता, तो 200-500 रुपये ले आता है और यहाँ दे रहा है, कहाँ से लाएगा? वहाँ से ब्याज से ला के देगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है समाज को, समाज भूखो नहीं मर रही, मंदिर भूखो नहीं मर रहा है, वस्तु का स्वरूप बताना चाहिए। वो दान में अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना है, लेना नहीं देना नहीं कुछ नहीं, समझे ना? तो ये क्या कह रहे, देखो वो पर्याय कौन सी, क्या नाम दिया उसका, एक अस्तित्व से निश्चित एक अर्थ की, अस्तित्व से निश्चित माने जिसका उत्पाद में द्रव्य निश्चित है, जो गुण द्रव्य पर्यायमय है, ऐसा पदार्थ स्वरूपास्तित्व जिसका है, ऐसा एक यूनिट पदार्थ का दूसरे ऐसे ही पदार्थ के साथ जो मिलान होता है उससे जो पर्याय बनती है उसका नाम क्या है, असमान जाति देव पर्याय। ये काय को समझा रहे, क्योंकि क्या तुम देह विषय ममता नहीं छोड़ेगा तो देह की क्या पोजीशन है ये बता रहे। मैं ऐसे भी कहता हूं कि यदि ये आचार्य देव खुद इतना खोल खोल के नहीं लिखते शांति जी, तो ये सब आध्यात्मिक पंडित यहां भी पर्याय का अर्थ केवल ज्ञान ही करते, करते थे पीयूष,
मैंने निकाल निकाल के बड़े बड़े पंडितों को बताई कि आप ये क्या अर्थ कर रहे हो। इसमें तो ये असमान जाति ध्रुव पर्याय की ही बात की है और आप उसे वो पर्याय ले रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ वो पर्याय नहीं है, ये भी नहीं कहता हूँ कि त्रिकाली ध्रुव को वस्तु के मैं जो है ना उसमें उसे शामिल कर लेना। अभी फटाफट मेरे पे ये आरोप लगा दोगे कि भेद दृष्टि की वजह से पर्याय को शामिल कर ले, उससे भेद विज्ञान करने की बात ही नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं कि अकेली मनुष्य पर्याय की बात है। लेकिन यहाँ अकेले मनुष्य पर्याय की बात है, मैं क्या करूँ इसका अर्थ करना क्या नहीं करना कि हर जगह पर वही एक एक ठोकना चाहे जो गाथा चलाओ क्यों उसे वो केवल ज्ञान से भिन्न करना है, है कि ये क्या सीख आया नया मुर्गा बस खत्म एक ही बात करना। देखो स्वलक्षण ये तीन पंक्तियां पढ़ी मैंने अभी, ये तो मैं फिर पढ़ता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। स्वलक्षण भूत स्वरूपास्तित्व से निश्चित एक अर्थ का स्वलक्षण भूत स्वरूपास्तित्व से ही निश्चित दूसरे अर्थ में विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता हुआ एक अर्थ वह अनेक द्वैतात्मक पर्याय है। अब इसमें क्या कहा विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता, माने ये मनुष्य पर्याय हुई तो जैसे हमारा आत्मा आया माँ पिता के गर्भ में आया, वहाँ ये पुद्गल के परमाणु थे वे मिले उस 9 महीना माँ के पेट में पढ़ा फिर उत्पन्न, ये विशेष रूप से मतलब ये इसका जो मिलान हुआ है ये ऐसा ही नहीं है सड़क पे आते आते दो जने मिल गए और हो गया, यानी एक विशिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत इन द्रव्यों का मिलान हुआ है और उन पर भी वो डेट भी दली रेल के डिब्बे पर होता ना तो जब कल कारखाने से निकलता है ना तो उस पर उसकी डिस्चार्ज डेट भी लिखी रहती है कि कब तक दौड़ेगा इसके बाद इसे हटा देंगे, दवाई पर लिखी रहती है ना जैसे ऐसे उस पर भी लिखी रहती है, ऐसे तुम्हारी इस मनुष्य देह पर भी लिखी है वो तो अपन को मालूम नहीं है लेकिन लिखी है इतना तो मालूम है ना क्या। तो देखो क्या कह रहे हैं वो जिस प्रकार अभी आगे पढ़ रहा हूँ, जिस प्रकार एक पुद्गल की अन्य पुद्गल के साथ मिलकर अनेक दिव्यात्मक समान जाति द्रव्य पर्याय देखी जाती है ना, ये समान जाति द्रव्य पर्याय समझ में आया देखी जाती है, उसी प्रकार जीव की पुद्गलों के संस्थान आदि से विशिष्ट उत्पन्न होती हुई अनेक दिव्यात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय का भी अनुभव में अवश्य आती है। माने जैसे ये पुद्गल के स्कंद हमें देखने में आ रहे हैं ऐसे ही ये मनुष्य आदि पर्याय भी देखने में आती हैं, है ना। अब बस इतनी सी बात इस दूसरे पैरे में कही है, ऐसा पर्याय का होना असंभव नहीं है न्याय युक्ति ही है। ऐसी पर्याय होती है अब उसे सिद्ध कर रहे ये असंभव नहीं है संभव है और न्याय युक्त है, अब न्याय और युक्ति से सिद्ध करेंगे वो क्या, क्योंकि जो केवल जीव की व्यतिरेक मात्र है ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्यों के संयोगात्मक रूप से भीतर अवभाषित होती है। मन एक द्रव्य की जो पर्याय हैं उसकी अपेक्षा ये अनेक द्रव्य की जो पर्याय हैं यानी ये भी मालूम पड़ती हैं। अब इसको हम ऐसा जीव की पर्याय भी बोलते ना, नार की जीव मनुष्य जीव देह जीव है, अकेली पुद्गल की पर्याय भी बोलते हैं ये तो क्या है ये पुद्गल का है पुद्गल का क्या विश्वासा है? पानी बीज पतासा क्या क्या कौन सा पुद्गल है वो इस चश्मा का कोई विश्वास नहीं है इस पुद्गल का है वो तो ये कह रहे कि जो तेरा जो शरीर है ना असमान जाति पर्याय इसको पुद्गल कह रहे ये पुद्गल इसका कोई विश्वास नहीं है क्योंकि आगे की जो सारी पंक्तियां हैं वो सब देह पर ही केंद्रित हैं क्या है झूठा तन धन झूठा यौवन तन धन क्या है ये यौवन क्या है ये इसी की पर्याय है ना समझिए ना
इसे मालूम पड़ता है इसकी ही बात कर रहे हैं। पुद्गल का क्या विश्वास है, उन्हें इस पुद्गल से कोई लेना देना नहीं है। झूठा तन धन, झूठा यौवन और झूठा सब परिवार आए जो भी है, मतलब वो सब उसी की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का उसे पुद्गल कह रहे हैं और उसमें पुद्गल का मतलब ये कह रहे हैं, और जीव भी कहेंगे ऐसा भी आएगा, मनुष्य जीव इतने मनुष्य स्वर्ग जाएंगे, इतने यहाँ गए वहाँ ये गए, कौन जाएगा, तो जाने वाला तो जीव है, ये पुद्गल तो यहीं चल जाने वाला है, तो मनुष्य स्वर्ग गया बोलते ना, तो मनुष्य पर्याय छोड़ के देव पर्याय में गया, तो जीव गया है, पुद्गल तो गया नहीं है, तो हम जीव को भी बोलते हैं और अकेले पुद्गल को भी बोलते हैं और दोनों के मिक्सर को भी बोलते हैं, तीनों का अर्थ वो मिक्सर से ही है ना। जिस ऐसी पर्याय का होना असंभव नहीं है, न्यायुक्त ही है, क्योंकि जो केवल जीव की व्यतिरेक मात्र है, ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय की अनेक द्रव्यों के संयोगात्मक रूप से भीतर अवभाषित हो, ये व्यतिरेक रूप है, ये क्या चक्कर है, पढ़ा था अपन ने अन्वय से द्रव्य, अन्वय का विशेषण गुण और अन्वय का व्यतिरेक वो पर्याय है, ये वो व्यतिरेक, तो ऐसे द्रव्य का व्यतिरेक ही नहीं, पूर्व पर्याय गई उत्तर पर्याय आई, अकेली ऐसी नहीं लेना, अनेक द्रव्य पर्यायों में मिली हुई पर्याय ले, अकेली व्यतिरेक रूप पर्याय नहीं लेना, कह रहे ना नारक त्रिंच मनुष्य देव, ये जीवों की पर्याय हैं, वहाँ पुद्गल कह रहे थे यहाँ जीवों की पर्याय हैं, ये नाम कर्म रूप पुद्गल के विपाक के कारण अनेक द्रव्यों की संयोगात्मक हैं, इसलिए जिस प्रकार तुष्की अग्नि और अंगार आदि अग्नि की पर्याय चूरा और डली इत्यादि आकारों से अन्य अन्य प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार जीव की ये नारक आदि पर्याय संस्थानक के द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं जो ईंधन जलाते हैं ना, तो कभी ईंधन तो लकड़ी का होता है, कभी कोयला होता है, कभी कंडा होता है, कभी ऐसा बिल्कुल चूरा होता है, जैसे अपनी धूप होती है, धूप भी तो ईंधन ही है ना, अपन उसमें डालते हैं, तो कहते जैसे हम ईंधन जलाते हैं तो आगी का भी वही आकार होता है, जो अपने लकड़ी जलाते हैं लंबी लंबा एक डंडा जलाया तो वो अग्नि भी डंडे के आकार की होती है, समझ गए आप, तो भिन्न भिन्न आकारों में जैसे वो होती है ना, लिखा ना इसमें देखो कहाँ है, जिस प्रकार तुष्की अग्नि समझे अंगार की अग्नि की पर्याय चूरा डली इत्यादि आकारों में अन्य अन्य प्रकार की होती है ना, उसी प्रकार ये जीव की नारकादिक पर्याय भी अन्य अन्य, मनुष्य की अपने ऐसा है, नारकी का शरीर अलग टाइप का होता है, देव का शरीर अलग टाइप का होता है, त्रिंजों का अलग टाइप का होता है, एक त्रिंज से दूसरे त्रिंज का नहीं मिलता है, देखो ऊंट का अलग टाइप का होता है, घोड़े का अलग टाइप का आकार होता है, कहाँ गया वो अपन, ये पढ़ हो गया पूरा। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि कम से कम चार और अधिक से अधिक 10 प्राणों से संयुक्त जीव की असमान जाति नर नारकादि पर्याय विभिन्न आकारों में होती हैं, जिस गति में जीव जाता है उसी गति के योग आकार हो जाता है, मनुष्य गति का जीव मनुष्याकार ही होता ही है, पर मनुष्य देह से भी तो दिन में अनेक आकार बनते हैं, अभी बताया था ना मनुष्य देह के, और उसके साथ जीव भी उन्हीं आकारों में परिणमित होता रहता है, इस असमान जाति मनुष्य पर्याय में आत्मा अलग है और देह अलग है, यद्यपि ये क्षेत्राव गाय हैं तथापि उनकी सत्ता भिन्न भिन्न है और उनके आकार भी भिन्न भिन्न हैं, तात्पर्य है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, इतनी सी बात कहनी थी, उसमें इतने तर्क युक्तियाँ हैं, इसलिए कहते हैं हम एक महाराज कहते थे कि बहुत सरल था समय सार तो, लेकिन अमृत चंद्राचार्य ने बहुत कठिन कर दिया है, जरूर कर दिया है,
गाथा तो सीधी सती अर्थ करती जाती है ना, और उसमें ये ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानियों को निरंतर विद्यमान रहता है। यदि हमें अपना कल्याण करना है तो ऐसा भेद विज्ञान हमें निरंतर कायम रखना चाहिए। इसलिए पढ़ दी मैंने पूरी गाथा, समय हो गया मुझे मालूम है, इसलिए कि अभी कल द्वारा इसमें फिर हम टच नहीं करेंगे, फिर अगली गाथा जो है